नमस्कार, जेबीटी एंटरटेनमेंट में आपका स्वागत है और मैं हूं आपके साथ हिमांशी पांडे। ऋतिक रोशन ने वैसे तो अपने फिल्मी करियर में बहुत सारी फिल्में की हैं, जिनमें से कई सुपरहिट भी रही है। इन्हीं में से एक है फिल्म कोई मिल गया। इस फिल्म में जितनी पहचान ऋतिक को मिली, उतना ही फेम जादू को भी मिला। जी हाँ, ये वही जादू है जो बच्चों का प्यारा है और जो लेता है धूप से एनर्जी। लेकिन अब आपके मन में जरूर ये सवाल होगा कि आखिर जवान, पठान, टाइगर 3 और एनिमल जैसी फिल्मों के बीच हम अचानक से ये जादू की बात क्यों कर रहे हैं। तो आपको बता दें कि आपका चहिता जादू अब लौट रहा है और इस बात का खुलासा खुद ऋतिक ने दिया है और इसकी शुरुआत हुई एक्ट्रेस श्रद्धा कपूर की एक पोस्ट से। दरअसल श्रद्धा कपूर ने इंस्टाग्राम पर एक तस्वीर शेयर की जो कि एक सनकिस्ड फोटो है। इसमें कैप्शन श्रद्धा कपूर ने लिखा, जादू की तरह धूप की जरूरत है। इस पोस्ट पर फैंस और यूजर्स ने तो कमेंट किया ही, लेकिन सबसे खास था एक्टर ऋतिक का रिप्लाई। इस पोस्ट पर ऋतिक ने लिखा, वो आ रहा है, बता दूंगा उसे। जैसे ही ये कमेंट श्रद्धा ने पढ़ा तो श्रद्धा ने भी इस पर रिप्लाई किया और पूछा, सच में, कब, क्या, कहां, बताओ। अब जब ऋतिक ने इस पर कमेंट किया तो वो तो वायरल होना ही था। इसके बाद कयास लगाए जा रहे हैं कि क्रिश 3 को लेकर तैयारियां जोरों पर है और क्रिश 4 में इस बार जादू को फिर से एंट्री मिलने वाली है। आपको बता दें, कोई मिल गया के बाद से जादू को इस फिल्म की किसी भी सीरीज में नहीं दिखा गया है, लेकिन क्रिश 4 में उसके होने की संभावना फिर से पैदा हो गई है। फिलहाल इस खबर पर आपकी क्या राय है हमें कमेंट्स में जरूर बताइएगा और ऐसी एंटरटेनिंग खबरों के लिए आप देखते रहिए जेबीटी एंटरटेनमेंट।